वेलकम टू ए टू जेड अपडेट दोस्तों, मैं आज आपको KTM ड्यूक 150 CC बाइक के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि इंडिया में कब लॉन्च होगी और अगर लॉन्च हुई तो उसके स्पेसिफिकेशन, कलर और उसके प्राइस कितना होगा उसके बारे में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। KTM के अभी के मॉडल की बात करें तो उसमें KTM के ड्यूक 125, हालांकि जो बहुत ही पॉपुलर मॉडल हो चुका है, और उसके अलावा KTM ड्यूक 200 और 390 के मॉडल्स अवेलेबल है, लेकिन KTM ने 150 CC के सेगमेंट में एक भी बाइक लॉन्च नहीं की है। अगर ये बाइक इंडिया में आती है 150 CC बाइक तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर ये इंडिया में आई तो इसके स्पेसिफिकेशन क्या होंगे उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले उसके इंजन की बात करें तो वो सिर्फ 150 CC का इंजन हो सकता है, और उसमें सिंगल सिलेंडर DOHC का इंजन उसमें आपको देखने को मिलेगा। इस बाइक में आपको 4 स्ट्रोक 4 वाल्व का इंजन देखने को मिलेगा, और जो कि 1 सिलेंडर का इंजन हो। और अगर ये बाइक इंडिया में लॉन्च होती है तो इसका पावर 19 PS का पावर हो सकता है, वो भी 9000 RPM पे आपको मिल सकता है। और अगर टॉर्क की बात करें तो 14.5 Nm से लेकर 15 Nm तक का इसका टॉर्क हो सकता है, 7000 RPM पे हो सकता है। और इस बाइक का टॉप स्पीड 130 km/h का इसका टॉप स्पीड हो सकता है। और इस बाइक का माइलेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 40 से लेकर 45 तक का माइलेज ये आसानी से दे देगी। इस बाइक में लिक्विड कूलिंग का टेक्नोलॉजी मिलेगा, और उसमें ट्रेलिस फ्रेम देखने को मिलेगी, यानी कि स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इसमें शॉक एब्जॉर्बर की बात करें तो WP के USD फॉक्स देखने को मिलेंगे, और WU के मोनोशॉक को सस्पेंशन रियर साइड देखने को मिलेगा। इस बाइक में आपको ड्यूअल डिस्क मिलेगा, जिसमें फ्रंट डिस्क 300 mm का होगा और रियर डिस्क 230 mm का हो सकता है। और इस बाइक में आपको सिंगल चैनल का ABS मिलने वाला, हालांकि वो ऑपरेशनल होगा ओनली ऑन फ्रंट व्हील। इस बाइक के कलर की बात करें तो इस बाइक के कलर ड्यूक 125 और ड्यूक 200 जैसे हो सकते हैं, और लुक की बात करें तो लुक भी 125 और 200 जैसा ही होगा। ड्यूक 125 अगर इंडिया में लॉन्च होती है तो उसका कंप्यूटर की बात करें तो उसमें अपाचे 164 भी है, पल्सर NS160 है और पल्सर 150, ये सब बाइक उसके कंप्यूटर में रहेगी। इस बाइक का प्राइस 1.60 से लेकर 1.70 लाख तक हो सकता है। और इस बाइक के लॉन्च डेट की बात करें तो इस बाइक का लॉन्च डेट KTM ने कुछ भी इसके बारे में बताया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये बाइक अगर लॉन्च होगी तो इसके स्पेसिफिकेशन मैंने बताए वैसे ही रहेंगे, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।